दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करके बताती है कि भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करता है। साथ ही साल 2023 का डेटा भी रिपोर्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत को करीब 125 बिलियन यूएस डॉलर रिसीव हुए हैं। यानी कि जो भी भारतीय विदेश में काम करते हैं और वहाँ से वहाँ की मुद्रा भारत भेजते हैं, इस पूरे मामले में भारत पहले स्थान पर पहुँच चुका है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत इस तरीके से लगातार रेमिटेंस रिसीव करता रहे, और भारत को रोकने के लिस्ट में यूके का नाम सबसे पहले सामने आया है। पूरी रिपोर्ट क्या है, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अगर पिछले 4-5 सालों का डेटा निकाल कर देखा जाए, तो आपको हर साल 2 से 3 खबरें ऐसी मिल जाएंगे जिसमें भारत और यूके FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और यूके भारत के साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं ताकि इस डील से यूके को फायदे मिल सके, क्योंकि इससे भारत को तो कुछ खास फायदे मिलने वाले नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत यूके के साथ इस डील को लेकर अग्री हो गया है। लेकिन अब यूके के कुछ ऑफिशियल्स भारत के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगा रहे हैं, और कुछ चीजों में इस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है जो भारत के रेमिटेंसेस को सीधे इफेक्ट कर सकता है। वहीं मेन रिपोर्ट को जानने से पहले अगर कुछ बेसिक चीजों की बात की जाए, तो भारत के अंदर ऑटोमोबाइल और गुड्स के ऊपर करीब 100 से 150% का टैक्स या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, और इसी को रिड्यूस करने के लिए यूके लगातार कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत की तरफ से जो चीज एक्सपोर्ट की जाती है, वहाँ पर 4 से 5% की ड्यूटी लगती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाली है। लेकिन भारत की तैयारी है कि ऑलरेडी हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी स्केल पर एक्सपेंड करना शुरू कर चुके हैं, तो क्यों हम ऐसे देशों को प्रायोरिटी दें। इसके बावजूद भी भारत में यूके की बात पर सहमति जताई, और भारत ने कहा कि अब हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के ऊपर भी FTA को अप्लाई करने वाले हैं। और यहीं पर यूके का खून खौल उठा, जहां इससे भारत को फायदा मिल सकता है, क्योंकि जो भी भारतीय यूके के अंदर काम करते हैं, उन्हें करीब 1.5 से 2 सालों तक अपने सैलरी के परसेंटेज का काफी बड़ा हिस्सा यूके में जमा करवाना पड़ता है। लेकिन भारत की तैयारी है कि ऑलरेडी उसे यूके अलग अलग पॉलिसीज के लिए कलेक्ट कर लेता है। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो भारतीयों की मेहनत की कमाई यूके रख लेता है, और ऐसे ही कुछ एग्रीमेंट्स ऑलरेडी यूके ने फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन कर रखे हैं, और उनसे किसी भी तरीके के टैक्स नहीं लिए जाते। यानी कि जो भी फ्रांस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के लोग यूके के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी का 1% का हिस्सा काटा नहीं जाता, और वो सारा पैसा वो अपनी मनमर्जी से अपने देश के अंदर भेज सकते हैं। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो यूके यहाँ पे एग्री नहीं हो रहा है, और इसीलिए शायद भारत और यूके के बीच में FTA की डील और ज्यादा लंबे समय तक के लिए डिले हो सकते हैं, क्योंकि इससे भारत को नुकसान होगा। और भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में हम इस नए नियम को अप्लाई कर सकें, जिससे हमारे देश के बाहर रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा फायदे मिल सके। आप भारत के इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।